नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के शिक्षा स्तर में सुधार, सेंटर परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक, 10वीं और 12वीं विद्यार्थियों के लिए खास निर्देश। बिहार में 4000 शिक्षक फर्जी पाए गए, 80% शिक्षक के सीटेट में 60% से कम अंक, 24000 शिक्षकों की फिर से जाँच होगी प्रमाण पत्र। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी, हॉकी मैचों के लिए टिकट बिक्री समाप्त, पहला मुकाबला 11 नवंबर को। बिहार में जल संकट गहराया, भूजल संकट का 11 जिलों में समस्या, डे जीरो की ओर बढ़ता बिहार। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका पहुंची, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में 4 मैचों की टी20 सीरीज, टी20 सीरीज की पहली गेंद 9 नवंबर को। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 और मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। कुल 9 तरह की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। जो बच्चे देख नहीं पाते हैं अथवा दृष्टि कम है, इसके लिए अलग अलग विशेषज्ञ शिक्षक होंगे। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को रिक्तियों की जानकारी भेज दी है। कुल 7279 पदों पर विशेष शिक्षक नियुक्ति की जाएंगे। ये शिक्षक पहले से आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से चयनित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में ऐसे शिक्षकों की संख्या 10,219 है जिनके नाम, आधार संख्या आदि में अंतर रहने के कारण काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। शिक्षकों को सुधार के लिए डीईओ को आवेदन देने की प्रक्रिया आज तक जारी है। छठ पर्व के दौरान पटना में 18 प्रमुख घाटों पर 25,000 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वाहन चालकों को कतारबद्ध तरीके से पार्किंग के लिए अपील की गई है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। 7 नवंबर सुबह 10 बजे से 8 नवंबर सुबह 10 बजे तक माल वाहक वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। सभी घाटों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। स्मार्ट सिटी के 124 कैमरे 24 घाटों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल और यातायात पुलिस तैनात रहेगी और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने सेंटअप परीक्षाओं में फेल होने वाले छात्रों को वार्षिक परीक्षा 2025 में बैठने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है। अब सेंटअप परीक्षा पास करना अनिवार्य है, जिससे छात्रों पर पढ़ाई का दबाव बढ़ गया है। सेंटअप परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा और केवल पास छात्रों को मुख्य वार्षिक परीक्षा का प्रवेश पत्र मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि यह निर्णय शिक्षा के स्तर को सुधारने में सहायक हो सकता है, जबकि अन्य चिंतित हैं कि इससे छात्रों में तनाव बढ़ सकता है। बिहार के 13 जिलों में 1,78,034 किशोरियां शारीरिक रूप से कमजोर पाई गई हैं, जिन्हें समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS की किशोरी बालिका योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत 14 से 18 वर्ष की किशोरियों को दवा और पौष्टिक खाना प्रदान किया जाता है। अब तक 1,71,000 किशोरियों का आधार सत्यापन हो चुका है। योजना में माहवारी की जानकारी और स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी शामिल है, ताकि किशोरियाँ घबराएं नहीं। 46,000 किशोरियों को घरों में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना पटना, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, नवादा, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सीतामढ़ी जिलों में लागू है। इसके लिए किशोरियों को नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन्हें तमाम सुविधा दी जाती है जो इनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरत है। बता दें कि इस योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में ICDS ने की थी। बिहार में लगभग 4,000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं, जिनमें 80% का सीटेट में अंक 60% से भी कम है। जांच में 20% शिक्षकों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इस संबंध में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, साथ ही फर्जी शिक्षकों से वेतन वसूली भी की जाएगी। करीब 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। पहली जाँच में उनके 1 से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, अब दूसरी बार फिर से जाँच होगी। हाल ही में सीतामढ़ी में 7 शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। सत्यापन की प्रक्रिया में शिक्षकों की मार्कशीट विश्वविद्यालयों से जांच की जा रही है। शिक्षा विभाग ने डिजिटल सर्विस बुक के माध्यम से सभी रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने की योजना बनाई है।
राजगीर में आगामी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियां अंतिम चरण में है। 11 से 20 नवंबर तक होने वाले मैचों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही सभी दिन के टिकट बिक गए। प्रत्येक मैच में 3,000 दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश मिलेगा, जबकि अतिरिक्त दर्शकों के लिए विशेष फैन पार्क बनाया गया है। भारतीय टीम 4 नवम्बर को बोधगया पहुंचेगी, जबकि अन्य टीमें 8 से 9 नवम्बर तक आएंगी। सुरक्षा व्यवस्था 400 स्तरीय है और मैच 11 नवंबर को जापान और दक्षिण कोरिया के बीच शुरू होगा। भारत का मुकाबला 16 नवंबर को चीन से होगा। कांस्य पदक मैच 20 नवंबर को शाम 5 बजे तथा फाइनल मैच उसी दिन शाम 7:30 बजे होना है। टूर्नामेंट 20 नवंबर को ही समाप्त होगा। बिहार में जल संकट गंभीर हो रहा है और यह डे जीरो की ओर बढ़ रहा है। डे जीरो का मतलब जब किसी शहर या क्षेत्र का जल भंडार खतरनाक स्तर तक गिर जाता है। अक्टूबर नवंबर में नदियां सूख रही हैं और भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। जलवायु परिवर्तन और भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण 11 जिलों में पानी से संबंधित शिकायतें आई हैं, जबकि 7 जिलों में बोरिंग सूखने और कम पानी की समस्या बढ़ रही है। इस संकट का समाधान करने के लिए सरकार ने 2,579 करोड़ की योजना बनाई है, जिसमें सतही जल को शुद्ध कर पाइपलाइन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मुंगेर, बांका, भागलपुर और अन्य जिलों में जलापूर्ति के स्थायित्व की आवश्यकता है, अन्यथा जल संकट और बढ़ सकता है। रविवार को विदेशियों का जत्था विष्णुपद पहुंचा, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गया श्राद्ध किया। लगभग 15 देशों के 60 श्रद्धालुओं ने फल्गु के घाट पर पिंडदान किया और तर्पण किया। इसके बाद उन्होंने विष्णुपद मंदिर में विष्णु चरण के पिंड चढ़ाए। विदेशियों ने पितरों के मोक्ष की कामना की और अक्षय वट पर भी पिंडदान किया। पिछले 2 महीनों में यह तीसरी बार है जब विदेशी पिंडदानियों ने गया जी का दौरा किया है। पहले पितृपक्ष में 10 विदेशी और फिर 161 पिंडदानियों का जत्था आया, जिनमें मुख्य रूप से इस्कॉन से जुड़े श्रद्धालु थे। पटना जिले में 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले 1,25,000 नए युवा मतदाता जुड़ेंगे। जिला प्रशासन ने आज से जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसमें नुक्कड़ नाटक और शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं को मतदाता बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आयोग ने 2, 3, 23 और 24 नवम्बर की तिथियाँ निर्धारित की हैं। 24 दिसंबर को दावा आपत्ति का निराकरण होगा और 6 जनवरी 2025 को अंतिम सूची प्रकाशित होगी। मतदाता सूची में नाम करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in या ऑफलाइन आवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय, अनुमंडल, प्रखंड निर्वाचन कार्यालय तथा BLO से संपर्क कर किया जा सकता है। जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 का उपयोग कर सकते हैं। बिहार में हल्की ठंड के साथ हवा की गुणवत्ता भी खराब हो गई है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 297 पर पहुंच चुका है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अन्य जिलों की स्थिति भी चिंताजनक है। बेतिया का AQI 101, भागलपुर का AQI 124 और बिहार शरीफ का 172 दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर में AQI 285 है, जबकि हाजीपुर का 324 यानी बेहद ख़राब है। सासाराम, समस्तीपुर में, मोतिहारी, किशनगंज और कटिहार में भी मध्यम स्तर पर AQI है। झंझारपुर में कमला नदी के तट पर एक नया रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा, जो मिथिला हाट की सफलता के बाद दूसरा प्रमुख पर्यटन स्थल होगा। बिहार के पर्यटन विभाग ने इस परियोजना की योजना बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। BSTDC ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली और टेंडर भी जारी किया गया है। NH-57 के पास रिवर फ्रंट बनने से यह क्षेत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। रिवर फ्रंट के निर्माण से न केवल स्थल का सौंदर्यीकरण होगा, बल्कि यह स्थानीय लोगों को रोजगार और सैलानियों को आकर्षित करने में मदद करेगा, जिससे झंझारपुर के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। रेरा ने रियल एस्टेट एजेंटों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि काले धन के निवेश की शिकायतें बढ़ रही हैं। एजेंटों को अपने बैंक खातों, भूमि खरीद बिक्री के दस्तावेज और पुराने रिकॉर्ड को सुरक्षित और अपडेट रखने को कहा गया है, ताकि जांच एजेंसियों के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सके। इसके बाद रियल एस्टेट क्षेत्र में कार्य करने वाले एजेंटों का रेरा में निबंधन अनिवार्य है। इसके अलावा बिहार रेरा ने अनिबंधित परियोजनाओं की सूचना देने पर इनाम देने की योजना को नवम्बर 2024 के प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह योजना पहले 15 जुलाई 2022 से लागू थी।
पाटलिपुत्र की सांसद मीसा भारती ने दानापुर के नासरीगंज छठ घाट का निरीक्षण किया और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह जो कपड़ा मंत्री हैं बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और फैक्ट्री और कुटीर उद्योग लगाने में असफल रहे हैं। मीसा भारती ने गिरिराज सिंह के हिंदू खतरे वाले बयान पर भी कटाक्ष किया, यह पूछते हुए कि उन्हें किससे डर है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घाट निरीक्षण को भी आलोचना का विषय बनाया, यह कहते हुए कि वे लोगों की समस्याओं को नहीं सुनते और केवल औपचारिकता निभाते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीते दिन भाजपा कार्यालय में लालू परिवार पर तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि लालू परिवार गलतफहमी में है, 1995 में उनके अत्याचार से ही राजनीति में आया, उनके खिलाफ भी चुनाव जीता। उनकी आदत अपने परिवार के लोगों को राजनीति में लाने की है, वे दूसरे लोगों को राजनीति में क्या लाएंगे। सच्चाई है कि जब मेरा परिवार उनके साथ था तो मेरे पिता ने ही लालू प्रसाद की सरकार और सत्ता बचाई थी। मीसा भारती ने कहा था कि सम्राट चौधरी को कम उम्र में मंत्री बनाना लालू प्रसाद यादव की बड़ी गलती थी। भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद साउथ अफ्रीका पहुंच गई है। टीम 4 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में गई है। BCCI ने टीम के आगमन की जानकारी साझा की। मुख्य कोच गौतम गंभीर इस दौरे पर मौजूद नहीं, उनकी जगह पूर्व बल्लेबाज VVS लक्ष्मण कोच की भूमिका में होंगे। T20 सीरीज का पहला मैच को किंग्स मीड में, दूसरा 10 नवंबर को सेंट जॉर्ज ओवल में, तीसरा सुपर स्पोर्ट पार्क में और आखिरी मुकाबला वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, सुशील कुमार मोदी, रंजित मिश्रा, राकेश मिश्रा, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, अर्जुन राम, जितेंद्र ठाकुर, सादिक हुसैन और रूपा कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप सेंटअप परीक्षा को वार्षिक परीक्षा के लिए अनिवार्य बनाने के निर्णय से सहमत हैं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।